कोटा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और इसी को ध्यान में रखते हुए सतत वेलफेयर सोसाइटी ने मुहिम शुरू की है, जिसके तहत शहर में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के अशोक पाटनी ने यह बताया कि देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में कोरोना योद्धाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसी बीच हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना योद्धाओं के लिए अलग अलग तरह की सेवाएं लोग मुहैया करा रहे हैं, ऐसा ही एक प्रयास आपको दिखाना चाहते हैं सतत वेलफेयर सोसाइटी कोटा। इस सोसाइटी का सबसे अनोखा अंदाज है, ये उन कर्मवीर योद्धाओं के लिए काम कर रही है जो अपने परिवार को छोड़कर सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस इस पूरे दृश्य का एक कर्मवीर चेहरा है, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है। पुलिस की अगर ड्यूटी की बात की जाए तो पुलिस की ड्यूटी 12 से 18 घंटे की होती है, मगर जिस तरह से महा कर्फ्यू का ऐलान हुआ, महा कर्फ्यू के ऐलान के बाद में ये ड्यूटी लगातार बढ़ गई। समोसे बनाए जा रहे हैं, समोसे बनाने के बाद में इनको इस तरह से पैक किया जा रहा है, पैक करके एक पैकेटों में बांधा जा रहा है। साथ में एक और विशेष चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि शहर गंदा ना हो, तो पॉलीथीन का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर से थाना क्षेत्र की जो अलग अलग सप्लाई होती है, जो जवान यहाँ पर लगे हुए हैं उन जवानों को दिन का नाश्ता यहाँ पर कराया जाए। हमारे साथ अशोक पाटनी जी मौजूद है, अशोक पाटनी जी से सीधी बात करेंगे, किस तरह से अशोक जी दिमाग में ये ख्याल आया और किस तरह से ये पहल चालू? इस सेवा के प्रकल्प तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब कभी भी शहर में किसी भी प्रकार की आपदा या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हम सालों से ये काम करते आ रहे हैं, पर अभी हमने जब से सोसाइटी बनाई है तो जब ये कोरोना वायरस हुआ तो पहले तो हमने गरीबों को इनको खाना वाना खिलाया, उनको आटा दाल वगैरह सब देते रहे हैं, पर फिर अचानक हमको ध्यान में आया कि जो कोरोना वॉरियर्स है, पुलिस है, प्रशासन है, मेडिकल टीम है, हम इन लोगों को सपोर्ट करें ताकि ये जनता को या जो भी लोग संक्रमित है या प्रभावित है उनको ये बचा सके, हमें जीवन दे सके। इनफैक्ट अभी हमें ये भगवान के रूप में नजर आए तो जिस तरह से भगवान की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, तो हमने सोचा कि चलो इनके साथ ही शुरू करें। अशोक पाटनी जी का ये प्रयास वास्तव में बहुत सराहनीय। पुलिस भी किस तरह से अपनी गाड़ियों पर आपसी दूरी बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, अशोक पाटनी जी का ये प्रयास वास्तव में ही सराहनीय है, एवं टीवी भी इनके जज्बे को सलाम करता है कि इन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए उनकी भूख और प्यास का इंतजाम किया है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवन के लिए कोटा से।